नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी जॉब संगम यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड और उसके एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि गलत फोटो गलत सिग्नेचर अपलोड होने की वजह से ज्यादातर जो फॉर्म जो है रिजेक्ट होते हैं इसी कारण से होते हैं। तो आपको जरूर चेक करना है कि कहीं आपका फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट हुआ है। तो इसके लिए जो है रीजन वाइज जो है एसएससी लिंक जो है जारी कर रहा है, तो कहां से आपको चेक करना है, किस वेबसाइट से चेक करना है, इसके साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप कब से डाउनलोड कर पाओगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोल लीजिए और सर्च बार में आपको इस वेबसाइट का नाम टाइप करना है, सरकारीसंगम.com। ठीक, इस प्रकार से आप लिखिए सरकारीसंगम.com, उसके बाद में सर्च करा देना है। ठीक, जैसे आप सर्च कराएंगे www.sarkarisangam.com की जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से खुल के आएगी। इनका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहीं से भी जो है जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं दिया है एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड / स्टेटस 2024, तो आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर साइड में यहां पे देखेंगे तो ब्लू कलर में दिया है एसएससी जीडी कांस्टेबल एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में जो भी एसएससी जीडी की वैकेंसी है उसकी डिटेल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है 20 फरवरी से शुरू होगा और 12 फरवरी तक जो है वो 12 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक एग्जाम होना है। ठीक, अब हम नीचे चलते हैं, नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का और साथ ही एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का दोनों लिंक आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड का लिंक है, लेकिन यहां पे लिखा है लिंक एक्टिवेट सून, तो अभी ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये कहां कब एक्टिव होगा और कब से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहां पर अगर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहां पर 2 रीजियन के अभी लिंक एक्टिव किए गए हैं, KKR रीजियन जिसे कर्नाटका केरला रीजियन बोलते हैं, तो अगर कर्नाटका केरला रीजियन का चेक करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप साउथर्न रीजन से हैं तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, एसआर रीजन। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। बस यहां पे कुछ भी नहीं करना, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है और नीचे यहां पे देख सकते हैं डेट मंथ ईयर में आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे। तो एसएससी का जो एडमिट कार्ड है एग्जाम शुरू होने से 4 दिन पहले आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि 20 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा तो आपको इसके लिए 16 फरवरी से लिंक एक्टिव हो जाएगा, 16 फरवरी से जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि जैसे ही लिंक एक्टिव होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।